मारा क्या है, कैसे मारी है? इसे लाठियों से, डंडों से, मतलब हड्डी टूटी हुई है उसकी, मतलब काफी चोट पहुंचाई है। अब मेरे को कहा था इसने फोन करके, आपको जो है लिकड़ वालों, अब भाई मैं जो तुम्हारी बहन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप बिगाड़ के दिखाओ कुछ भी। अब पुलिस वहाँ गई थी तो हथियार मौजूद मिले हैं। कितनी उम्र होगी बहन जी की? तकरीबन 40 साल। 40 साल है। बच्चे? 6 बच्चे थे सी बहन जी। जी कितनी उम्र के होंगे वो? है बड़ा लड़का 22 साल का था। ये लड़की के साथ में जब शुरू में संबंध हुए थे ना, जो ये लड़का था इसने अपने बहकाव में एक करी थी इस तरीका से। ये उसी गांव का है? ये भी उसी गांव का है जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ गांव पाटू का, नू जिला गाँव है ये। आज वो दुर्दर्द भरी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो एक बेटी को, एक बहन को मिट्टी दिए 2 दिन हुए हैं। वजह सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। कहीं कहीं देखने होता है कि कमजोरी और गरीबी की मार, कई बार मार ऐसी होती है कि अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, बहन को चुंगल से भी नहीं छुड़ा पाते और लास्ट में अंजाम ऐसा होता है वो जिंदगी से भी खोनी पड़ जाती है। वही काम यहाँ हुआ है। ये बेबस चेहरे देख रहे हैं आप लोग मेरे पास में, ये भाई हैं, ये माँ हैं। आज इनका क्या कसूर था जो आज बेटी को मिट्टी भी जगह सर नहीं मिली, मायके में देनी पड़ी है। तो मैं जानना चाहूँगा उसके पास में कितने बच्चे थे, क्या वजह थी, किसने मारी है, क्यों मारी है, कौन कौन दोषी हैं, क्या कार्रवाई हुई है। टोटली जो है सच्चाई आपके सामने यहाँ से लेंगे और आपके आपके लिए परोसेंगे। तो मेरा आप दोनों को नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? मोहम्मद जुबैर। जुबैर जी, आप बहन जी क्या लगते थे? भाई हूँ, छोटा उसका। छोटे भाई हैं, आपसे बड़ी हैं। जी। कितनी उम्र होगी बहन जी की? तकरीबन 40 साल। 40 साल है। बच्चे? 6 बच्चे थे सी बहन जी। जी। कितनी उम्र के होंगे वो? है बड़ा लड़का 22 साल का, उस लड़की छोटी 20 साल की तकरीबन ऐसे ही। बड़ा लड़का 22 साल का जी, बाकी उससे छोटे हैं जी। तो हस्बैंड वहीं पे है? हाँ हस्बैंड वही है, बाकी वो बीमार रहता है और वो गरीब घर से थे। जो ये लड़का था इसने अपने बहकावों में एक करी थी इस तरीका से। ये उसी गांव का है? ये भी उसी गांव का है जी, लेकिन ये कुछ दबंग टाइप का लड़का था जी। अब भी वो पुलिस वहां गई थी तो हथियार मौजूद मिले हैं, एक किट्टी में गोली भरी हुई मिली है जी। अच्छा, ये लड़का इस तरीका का था, ये 2 नंबर का काम करता था पुलिस में। इसके नाम से, इसकी उम्र कितनी थी लड़के की? लड़के की उम्र भी 32-35 साल के बीच है तकरीबन। बहन जी की 40 की जी। और ये शादीशुदा था ये लड़का भी? क्या नाम था इसका? इसका नाम समी था, समीम। समीम शादीशुदा था ये भी? हाँ शादीशुदा था। इसके बच्चे थे 4-5 तो हैं तकरीबन, बाकी मेरे को पूरे नहीं पता। बीबी इनकी? बीबी इनकी पता नहीं, उस गाँव में रहती है या कहाँ है पक्का नहीं पता अभी जी। तो इन्हें बहकावे में अपने पास लेके और गांव के गांव में वहीं अपने पास ही रखा इन्होंने? हाँ जी, ये गुंडा टाइप लड़का था, 2 नंबर का काम करता था, कोई बोल नहीं सकता था इसके सामने। दबंग था मतलब? दबंग था। और हमें भी, मेरे को कहा था इसने फोन करके, आपको जो है लिकड़ वालों, अब भाई मैं जो तुम्हारी बहन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप बिगाड़ के दिखाओ कुछ भी। अब सर बात यह है कि मैं जो है, मेरी 5 बहन है, उसी गाँव में दूसरी लड़की भी है और मैं खुद जो है 7 बच्चों का बाप हूँ। घर परिवार चलाना पड़ता है, इस तरीका से वो दबंग पड़ने का फायदा उठाता है। हम गरीब थे जी। उस तरीका से बस पार नहीं पड़ पाए, नहीं कोशिश बहुत की थी, केस भी डाला था इसके नाम से जी। पुलिस थाने में गया था तो कार्रवाई कोई नहीं की पुलिस नहीं। हमने तो पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी, वकील भी कड़क किया था, लेकिन पुलिस जो है कुछ कर ही नहीं पाती। पुलिस मैं फिर उसके बाद में जब मैंने केस डाला था तो मेरे भाणजा उटावड़ में, एक मेरी बड़ी बहन उटावड़ में जी जी, तो उसके पास इसकी मोटरसाइकिल थी, वो मिस्त्री था, मैकेनिक था, मोटरसाइकिल मैकेनिक था जी। केस डालने के बाद हम तो सोच रहे थे कि इसको पुलिस अरेस्ट करेगी,
हमसे पुलिस ने ये वादा करा था कि हम पुलिस जो है अरेस्ट करेंगे इसको, कार्रवाई करेंगे। और पुलिस की पीसीआर में बैठ करके ये मेरे भांजे के पास मोटरसाइकिल के लिए गया था। अब सोचो जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए जिस बंदे को डोल रही है, उसकी हिफाजत कर रही है, और उसकी कार में वो अपनी बाइक को लेने जा रहा मैकेनिक के पास, सेफ समझ रहा अपना आपको पुलिस कहा तो हम क्या कर सकते थे उसको? पुलिस के लिए पैसा भर देता था, वो दो नंबर आदमी था, वो उसका काम था पुलिस से मिलना जुलना रात दिन का, पैसा भी मजबूती भी सब चीज़ें हाँ। उसके पास। अब क्या हो रहा है, अब वो साजिश के तहत ये मारी गई है। वैसे मारा क्या है, कैसे मारी है? इसे लाठियों से डंडों से, मतलब हड्डी टूटी हुई है उसकी, मतलब काफी चोट पहुंचाई है। अब किस तरीका से मारे ये तो रब जाने। और अरेस्ट हो लिया अभी? वो अरेस्ट तो खुद करा का है जी, वहाँ मारने में पूरा परिवार था। अच्छा अच्छा। पूरी परिवार बचाने की वजह से। थोड़ा पीछे जाएंगे एक बार जी, जो अपने पास है उस समीम ने कितने दिन रखे बहन जी को? तकरीबन 3-4 साल हो गई जी। और बच्चे भी 20-22 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो न बच्चे कुछ कर पाते, 6 बच्चे हो रहे हैं न आदमी, और गांव के गांव में तो मजबूती तो अपने आप साबित होगी। सब ने सर को बहुत कोशिश की, बच्चों ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, हमारी बहन है जो, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था जो उसके सामने अपनी बात रखे और उसे सही तरीका से जो है सुन ले। मारने की धमकी देता था, फोन पे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है सर जी। अच्छा, अभी जो मैं जान लेने का इरादा था बहन जी, एक मिनट, जान लेने का इरादा था, वो क्या मन है? मतलब बहन जी की उसकी अनबन हुई होगी, या वहाँ से आना चाहती होगी, या मतलब आपका क्या मानना है, क्यों जान ली होगी उन्हें? अब ये तो सर वो ही बता सकते हैं, बस हमें तो जब भी बात करता था टॉर्चर करता था, और ये समझता था तुम मेरे कर का दिखा दो कुछ भी। असल में क्या था, ये लड़की के साथ में जब शुरू में संबंध हुए थे ना, तो इससे मेरा झगड़ा हो गया था जी, भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ जी, उसके बाद में बस ये अहस थी, तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करूंगा और मार के फेंक दूंगा, ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास फोन खुद ने किया, इसकी खुद की जबानी बात है जी। जी, बच्चे ये बात थी, उसका बस वो उसने कर भी दिखाया, और इसका जो बाप था ये इसको पूरा जो है साजिश में शामिल था, इसकी माँ थी, इसकी बहन थी, और पूरी परिवार जो है इकट्ठे होकर के इन्होंने, सीधा सीधा आपका ये मानना है कि पूरा परिवार ही प्लानिंग में था और रेस्ट अकेला हुआ है? हाँ जी, पूरा परिवार पहले से ही इन्हें ये सोची थी कि आज ये है जो रात में मारनी, इसने जो हमारा भांजा है उसके लिए बताया था कि आज इसे मार दूंगा मैं। अब जो रात में लड़की को मार रहा है शाम को बता रहा है, तो साजिश हुई कि नहीं हुई? अभी जो जिसको आप दोषी मान रहे हो, उन सब की एप्लीकेशन कंप्लेंट दी आपने? हाँ, कंप्लेंट दी, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई जो है ये जो जिसने मर्डर किया है वो गिरफ्तार है, जबकि दो भाई, दोनों सगे भाई ऑटो में लेकर के ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं। हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि ये जो है मर चुकी है, इसको यहाँ से ले जाओ। उन्होंने बोला कि हम जो है एम्बुलेंस को जुगाड़ करते हैं, इसको ले जाएंगे। उसके बहाने हॉस्पिटल से फरार हो गए दोनों भाई। दोनों सगे भाई तो सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं जी। वो दूसरा भाई का कोई गिरफ्तारी नहीं, और जो परिवार है वहाँ पे हमारे जो है दूसरी बहन है उसी गांव में, और सबसे पता लगा है जो अभी तक वहाँ पूरा परिवार मौजूद था उस टाइम जिस टाइम मारी है घर में ही। हाँ जी, घर में मारी है। अरे, रेस्ट अकेला हो गया, मतलब इसमें क्या मानना है भाई? अपने आप रेस्टिंग दे के पूरा परिवार सेफ हो जाएगा, उनका नाम नहीं आएगा, ये मानना है? ये सर उनका दावा है, इनका दावा, कुछ करा के दिखा लो, हमारा कुछ नहीं है, ये लड़का है, ये धूमस करता रहता है, और इसको जाने दो। वो भी जो उसके गाँव वाले हैं वो भी क्लियर इस बात को चाहते हैं कि ये लड़का तो जेल में रहे तो कोई बात नहीं, उससे तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो है ही इसी लायक। बाकी परिवार हैंडल कर लेगा? हाँ, बाकी परिवार है उसका, उसको बचाने में कामयाब हो रहे हैं फिलहाल, तो हो रहे हैं। वैसे 3-4 साल बहन जी वहाँ रहेगी बच्चे से दूर, आपके पास आना जाना था बहन जी का? नहीं था सर हमारे पास, मतलब एक किस्म से जब वो बहुत ज़्यादा मार कूटता था तब वो लड़की अपील करती थी कि जो है मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके बीच बीच में मैं उसे 3-4 दफ़ा लेकर आया हूँ, लेकिन वो किसी न किसी तरीका से उसे जो है फिर निकाल के ले जाता था। राज्य बोल गया, डरा गया, जैसे हाँ जैसे भी है, वो उसके पता नहीं तरीका ठीक था उनको। हाँ, लेकिन हमारी पेश उसने पढ़ने नहीं दी थी, नहीं हम किसी दिन उससे दूर नहीं हुए थे। अभी
आपकी आवाज हमारे जो उच्च अधिकारी आला हैं, पुलिस प्रशासन के एसपी साहब, डीएसपी साहब, ये आवाज़, ये वीडियो आपकी वहाँ तक जाएगी, तो क्या विनती करना चाहेंगे उनसे? मैं सर सबसे यही विनती करना चाहूँगा, जो है इनका पूरे परिवार मारने में शामिल है और उनको सजा मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जनाब। गरीबी, कमजोरी, ये मार बुरी होती है। कई बार तो जैसे पहले बताया था, जान तक खोनी पड़ जाती है। आज बेबस भाई, कई कई बच्चों, पिताजी चुंगल में से बहन को नहीं छुड़ा पाए, लास्ट में जान तक भी हाथ धो लिया। और इसमें किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है। अच्छा, मिट्टी बहन को यहीं दी थी, वो यहीं देती, वहाँ कोई बूझने वाला हमारे पास आए नहीं भाई, हमें ये हाँ जैसे कोई बात रहती है ना भाई, जो गलती हो गई या जैसे भी, पूरे गांव में से एक बंदा हमारे पास अभी तक नहीं आया। कंप्रोमाइज के लिए कोई नहीं आया? नहीं, फोन तक नहीं आया, मिट्टी में कोई बंदा नहीं आया। अगले भाई जो है वहाँ की थी, वहाँ के बच्चे थे, वहाँ से कोई तो आना चाहिए था, कोई तो इसका करीबी होगा। जी जी, लेकिन कोई भी नहीं, अभी तक भी कोई बात नहीं। बड़े हैरत की बात है, आज इनका क्या कसूर है? एक गरीबी दी है ऊपर वाले ने, तो इतना भी नहीं उसके पास सहने की, अकेले भाई बहन को दुख को सह सकें, बच्चे को अपने के पालेंगे या बहन को छुटवा के लेंगे। कई बार आदमी हालात के मारे इस तरह होते हैं। और मेरे पीछे ये देख रहे होंगे आप लोग, इनकी गरीबी है, साफ साफ छलक रही है। ऊपर से मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, और जो एक महल तगड़ी हवेलियों में रहने वाले होते हैं वो शायद बर्दाश्त ना करें, गरीब आदमी को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, हालात ऐसे हो जाते हैं। और आप लोग उस बहन के लिए इसमें ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, ताकि उसी आत्मा को शांति मिले, और इसको जा जा शेयर भी करते रहना, ताकि आपका शेयर करना ही इस गरीब परिवार की ताकत बनेगा और उस बहन को इंसाफ दिलाएगा। और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं, तो अपना पक्ष वो भी रख सकता है निसंदेह, इसमें मीडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको जा जा शेयर करते रहना, और बड़े लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद, सत्यमेव जयते हैं।